अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नफीस आलम और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने चैनल एक एंसंस जॉब कंसल्टेंसी पे। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको ये फायदा होगा फ्यूचर में जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप जान सकते हैं हमारे पास क्या वैकेंसी है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैकेंसीज है। आपने थंबनेल देखा होगा, समझ गए होंगे, लेकिन इसकी जानकारी पूरी मैं आपको इस वीडियो पे मैं दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास जो कुवैत के लिए शटडाउन की जॉब है 9 मंथ की सिर्फ, ठीक है, 9 महीने का शटडाउन का जॉब है। सब टेक्निकल हैंड के लोग चाहिए, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, समझ लीजिए इसमें आप के लिए सर्टिफाई है जाने के लिए, तो फिर अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन चाहिए जिनकी सैलरी आपका जाके 165 कुवैत दिनार मिलेगी, प्लस फूड है, प्लस एकोमोडेशन है, ठीक है। वेल्डर्स चाहिए जिनकी सैलरी 165 कुवैत दिनार मिलेगी, प्लस फूड है, प्लस एकोमोडेशन है। मैसन चाहिए, ठीक है, जिनकी सैलरी भी 165 कुवैत दिनार है, प्लस फूड है, प्लस एकोमोडेशन, ठीक है। प्लम्बर चाहिए, उनकी सैलरी 160 कुवैत दिनार है, ठीक है, 160 कुवैत दिनार अच्छी सैलरी हो जाएगी। 160 अगर हिसाब डालेंगे तो आप 25-26 हज़ार तक हो जाता है, ठीक है। 160 कुवैत दिनार प्लस फूड प्लस एकोमोडेशन। उसका शटरिंग कारपेंटर चाहिए 165 जो है कुवैत दिनार मिलेगी आपको, प्लस खाना मिलेगा, प्लस रहने का जगह मिलेगा, ठीक है। स्टील फिक्सर चाहिए 165 मिलेगा आपको, यानी 165 कुवैत दिनार प्लस खाना प्लस एकोमोडेशन। पाइप फीडर चाहिए 165 मिलेगा कुवैत दिनार, प्लस फूड प्लस एकोमोडेशन। हेल्पर चाहिए, ठीक है, उनको मिलेगा 110 कुवैत दिनार, प्लस फूड प्लस एकोमोडेशन। उससे भी 9 महीने का काम है, ठीक है, 9 महीने ज़्यादा नहीं है। जो भी बंदे इसमें जाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नंबर, ठीक है, और उसके बाद आपको स्क्रीन पर नंबर दिखा है, उस पर कॉल करके आप अप्लाई करें, ठीक है। इसमें आप अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है और उसका क्या क्या डॉक्यूमेंट है तो सुन लीजिए सही से। वर्किंग आवर जो है 12 घंटा होगा, ठीक है, वर्किंग आवर 12 घंटा होगा, प्लस अगर ओवर टाइम भी होगा, ठीक है, ओवर टाइम होगा, हफ्ता में एक दिन छुट्टी होगी। कैंडिडेट का जो है पासपोर्ट ECR वाले भी चलेंगे, ECNR वाले भी चलेंगे, ठीक है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजना है वो सुन लीजिए, और उसके बाद कैसे अप्लाई करना है वो सुन लीजिए, और कैसे फ्रॉड से बचना है वो भी सुन लीजिए। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट पासपोर्ट साइज फ्रॉड एंड बैक पेज लगेगा, ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेगा जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। उसके बाद आपका जाके स्किल सर्टिफिकेट एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, और आपका जाके टाइम लगेगा जो हमारे पास आना पड़ेगा। तो जो पहला ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन उसका इस्तेमाल कीजिए हमेशा, कि आप हमारे ऑफिस आइए, ऑफिस आकर अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर आप दूर हैं नहीं आ सकते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेल कर दीजिए, लेकिन उसके साथ आपको 1000 रुपये भी देने पड़ेंगे। हम लोग पैसे पहले नहीं लेते हैं, लेकिन जो दूर में हैं उनका काम करेंगे, उनका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए एक अमाउंट, क्योंकि आपको भी ध्यान रहेगा कि हम यहाँ एक्सेंसस में अप्लाई किए हैं, ठीक है ना, नहीं तो फिर हम दोबारा कॉल करते रहेंगे आपको, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए दूसरा ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन का फोकस कीजिए, हम लोग पहले ऑप्शन में काम करते, किसी से पैसा लेके पहले काम से पहले पैसा नहीं लेना चाहते। आपका वीज़ा आ जाता है, वीज़ा आ जाएगा, पेपर वीज़ा ही रहेगा, फटाफट काम हो जाएगा। प्रोजेक्ट जो है आपका जाके शटडाउन प्रोजेक्ट है, तो जो भी बंदा इस करना जिस तरह से अप्लाई करना चाहता है, पहला ऑप्शन यूज़ कीजिए जो मैं बताया आपको, कि ऑफिस आकर डॉक्यूमेंट सबमिट करके अप्लाई कर लीजिए। ये तो दूसरा है ऑप्शन कि अपना ईमेल के थ्रू आप डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, लेकिन आपको उसके साथ 1000 रुपये लगेगा जो प्रोसेस फीस हो, समझ लीजिए आप उसके लिए, ठीक है। अब आपको वीज़ा नहीं पाती उसका अलग जो चार्ज है वो लगेगा। तो इस तरह से दो तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं हमारे पास। और जो खास बात यह है कि अपने कमेंट के नीचे आप कोई अपना नंबर अपना ईमेल डालिए, मेहरबानी करके मत डालिए, उससे हमें देख रहा हूँ कि बहुत से तीसरे लोग आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप फंस जाएंगे, फिर बाद में मुझसे पूछेंगे तो हम उसका कोई जवाब नहीं दे सकते। तो मेहरबानी करके अपना कमेंट्स में कोई नंबर कोई ईमेल आई डी मत डालिए। मेरा नंबर ऊपर में दिख रहा है आपको, मेरा ऑफिस का नंबर है, सीधा कॉन्टैक्ट कीजिए, ईमेल आई डी है, सीधा कॉन्टैक्ट कीजिए। आप नंबर डाल के अपना वेट मत कीजिए कि हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ये आपको एक बार खास बता दूँ कि मैं आपको कॉन्टैक्ट नहीं करूँगा जब तक आपका पहला स्टेप आप खुद से नहीं कर लेंगे, ठीक है ना। पहला स्टेप खुद से करने मतलब कि आप आपका अप्लाई करने कर लेते, आपका प्रोसेस नहीं चल हो जाएगा, तब तक हम आपको कॉन्टैक्ट नहीं करते।
तब क्योंकि मसला ये है कि हमारे पास वक्त नहीं है, जिसका कांटेक्ट आता है, जिसका कॉल आता है, मैसेज आता है, उसको हम लोग जवाब दे नहीं पा रहे हैं, उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर हम नया नंबर खोज के किस तरह से कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। तो इसीलिए नंबर मत डालिए और ईमेल आईडी वगैरह मत डालिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीधा कॉल कीजिए हमें, ईमेल कीजिए, ऑफिस विजिट कीजिए और अपना अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। और वीडियो जो आप लोग देखते हैं इतना, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, सबसे पहले बात जो है। और ये जो फ्रॉड लोगों से बचिए, तीसरे जो लोग होते हैं उन लोगों से बचिए, और सामने सामने आके काम कीजिए, तो आपको भी अच्छा रहेगा, हमें भी अच्छा रहेगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो, और दूसरी बात वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी, लेटेस्ट वैकेंसी आप जान सकते हैं अपने नोटिफिकेशन के जरिए, ठीक है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो नई वैकेंसी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।